हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेज। ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 25 एक्सरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, उत्सर्जन होता क्या है। इसमें सबसे पहले मानव के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर विभिन्न अनावश्यक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता रहती है, शरीर के लिए वो हानिकारक होते हैं। उपापचयी क्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसके अतिरिक्त जल और CO2, इनका निर्माण होता है। जिसमें सबसे पहले जल जो है, इसका उत्सर्जन मल मूत्र व पसीने के साथ या पसीने के रूप में शरीर से बाहर किया जाता है। CO2 को श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर से बाहर किया जाता है। नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों को अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर किया जाता है। अब डेफिनेशन आती है उत्सर्जन की, उत्सर्जन कहते किसको हैं, तो इसमें मानव शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ हैं शरीर के अंदर, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रियाविधि होती है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। जिसमें मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन की क्रिया के दौरान जो अंग सहायक होते हैं उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये उत्सर्जन की क्रिया के अंदर जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ये दो प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मुख्य उत्सर्जी अंग और सहायक उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है, इसमें किडनी या वृक्क, और सहायक उत्सर्जी अंग के अंतर्गत मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये अंग जो हैं वो सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जन जो होता है, इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से, नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है, उद्देश्य होमियोस्टेसिस या समस्थापन के लिए उत्सर्जन किया जाता है। वैसे होमियोस्टेसिस या समस्थापन जो होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब है शरीर के अंदर, शरीर में आंतरिक रासायनिक संगठन जो होता है उसको साम्य अवस्था में बनाए रखना। साम्य अवस्था जो होती है उसमें आंतरिक जो रासायनिक संगठन होता है उसको रखना, समस्थापन या फिर होमियोस्टेसिस कहलाता है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद
नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनका उत्सर्जन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और थर्ड यूरिक अम्ल, इनके रूपों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम उत्सर्जन पढ़ेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन। सबसे पहले अमोनिया, का उत्सर्जन। अमोनिया जो होती है वो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसको शरीर से तीव्र बाहर करने की आवश्यकता होती है। वरना इससे इसका साइड इफेक्ट जो होता है शरीर के ऊपर वो बहुत तुरंत प्रभाव से दिखाई देता है। अमोनिया जो होती है वो जल में घुलनशील होती है। इसकी वजह से इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अमोनिया का उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा होता है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, उनको अमीनोटेलिक जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल, एलवणीय मछलियां, जलीय आर्थ्रोपोडा, कुछ एनेलिडा, पोरिफेरा आदि जो जीव हैं वो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। नेक्स्ट जो है यूरिया का उत्सर्जन। वे जीव जो नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं उनका उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं, उन जीवों को यूरियोटेलिक में यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। यूरिया जो होता है वो अमोनिया से कम हानिकारक से कम हानिकारक होता है, जल में विलय रहता है, जल में विलयशील होता है। और कुछ जीव जो होते हैं वो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर
इसका उत्सर्जन करते हैं उन जीवों में, एनेलिडा, स्तनधारी, स्तनधारियों में मुख्य रूप से मनुष्य, खरगोश, अस्थिल और उपास्थिल, मछलियाँ आदि जो होती हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलकर इसका उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। यूरिक अम्ल जो होता है ये अमोनिया व यूरिया इन दोनों से कम हानिकारक इसलिए इसका कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से संग्रहण किया जा सकता है। कुछ समय के लिए इसको शरीर के अंदर एकत्रित रखा जा सकता है, इसका ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। जल के अंदर यूरिक अम्ल जो होता है ये घुलनशील नहीं होता, यानी कि इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं उनको यूरिक अम्ल में बदलकर इसका उत्सर्जन करते हैं, तो वे जीव जो अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलकर उसका उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल एवीज वर्ग, एवीज है, इसके साथ कीट, सभी कीट जो होते हैं वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसी के साथ मरुस्थलीय स्तनधारी जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं वो भी नाइट्रोजनी पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। यहाँ उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र और उसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थों का किस प्रकार से उत्सर्जन किया जाता है, किस प्रकार से शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।